नमस्कार मित्रों, भाग्य निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। आज धनतेरस है और इस खास मौके पर हमारी संस्कृति और मान्यता के अनुसार कुछ न कुछ खरीदने का प्रचलन है। वैसे पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस खास दिन पर बर्तन खरीदने की प्रथा में लोगों का यकीन काफी ज्यादा है। आइए आज जाने धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस को धन और समृद्धि का त्यौहार माना जाता है। चूंकि हमारे संस्कृति में स्वास्थ्य और धन को अन्य चीजों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ईश्वर की आराधना करते हुए स्वास्थ्य और धन की कामना करते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन जिस घर में यम देवता के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद यानी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अमृत पान कराकर अमर का वरदान दिया था। आज भी स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से लोग धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हैं। मित्रों, आज के दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लानी चाहिए तथा पूजा का विधान है, पूजा करनी चाहिए। लोग इस दिन गाड़ी खरीदना शुभ मानते हैं। कुछ लोग मोबाइल, कंप्यूटर, बिजली के उपकरण इत्यादि भी धनतेरस पर ही खरीदते हैं। हीरा और चांदी खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। धनतेरस के दिन स्फटिक का श्री यंत्र जरूर लाएं। माँ लक्ष्मी के यंत्र से आपको धन संबंधी बाधा से निजात मिलेगी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मित्रों, अगला धनतेरस के दिन घर में दक्षिण वृत्ति शंख लाना अति शुभ है, क्योंकि कहा जाता है कि इस शंख से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं, आपके घर प्रवेश करती हैं। शंख लाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। कोई भी ऐसी वस्तु खरीदने से आपको बचना चाहिए जिसमें तेल का इस्तेमाल होता हो। यदि जरूरी हो तो इसे एक दो दिन पहले ही खरीद कर घर में रखना चाहिए। कुछ मान्यता यह भी है कि धनतेरस के दिन खासकर काले रंग की वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का विश्वास है धनतेरस के दिन रुद्राक्ष की माला खरीदना अति शुभ होता है। यदि रुद्राक्ष की माला सात मुखी हो तो ये अत्यंत शुभ होगा। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। लोगों का मानना है चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है। धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के बर्तन खरीदते हैं। दिवाली के अवसर पर किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट पहले से ही खरीद कर रख लें। संभव हो तो उपहार धनतेरस या दीपावली के एक दिन पहले ही भिजवा दें। धनतेरस पर सामान सिर्फ अपने लिए ही खरीदें, न कि दूसरों को गिफ्ट करने के लिए। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की प्रतिमा लानी चाहिए। इस दिन संपत्ति की प्राप्ति के लिए लोग धनतेरस शाम अपने पूजा घर में कुबेर देवता के सामने 13 दीपक जलाते हैं। इस दिन रोली, फूल, चावल, गुड़, जल सहित दीप जलाकर औरतें यम को पूजती हैं। धनतेरस के दिन यम के लिए आटे का दीप बनाकर घर में मुख्य दरवाजे पर रखें। दक्षिण भारत में धनतेरस के दिन गायों की पूजा की जाती है तथा गायों को सजाया जाता है, क्योंकि गाय को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक लोग भगवान से सुख संपत्ति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दीपावली के समय किसी नए बिजनेस की शुरुआत को शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सफाई कर उन्हें अच्छी तरह सजाते हैं और लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन बर्तनों और आभूषणों की दुकान पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। धनतेरस के दिन जमीन, प्रॉपर्टी, कार खरीदने और किसी जगह इन्वेस्ट करने के साथ एक नए बिजनेस की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। मित्रों, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। यदि दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो हमारे भाग्य निर्माण चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर एक नया वीडियो आपको मिलता रहे।